इंडिया में सिर्फ एक ही फिल्म फेस्टिवल है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो ये फिल्म फेस्टिवल है और यहीं भेजी है, तो हमारा इंडिया का फिल्म प्रीमियर यहीं है, इसके अलावा किसी फर्स्ट प्रीमियर यहीं है और कहीं नहीं होगा, क्योंकि कहीं भेजी ही नहीं है और ना भेजनी है। मेरे को पहले से ही बचपन से शौक था और बच्चों को मनोरंजन कराने, मैं गरीब परिवार से हूँ और ये मेरे को कला बहुत अच्छी लगी, मेरे को देख के पब्लिक बहुत खुश होती है। सर के साथ कैसे मुलाकात? सर के साथ मुलाकात हुई, मैं मुंबई गया था, किसी ने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, तुम आ जाओ मुंबई, मैं इवेंट तेरे को देता हूँ। मुंबई गया, वहाँ कोई मेरे को मिला भी नहीं, फिर पूरी रात में भटकता रहा तो मेरे को हैदर खान सर मिल गए, फिर उससे हाँ इसी गेटअप में फिर मेरे को सर मिल गए और सर से मुलाकात हो गई। ये मुझे एक दिन रात को बॉम्बे में सड़क पे घूमते हुए दिख गए, तो मुझे अजीब लगा ये कौन घूम रहा है रात को एक बजे, और इनके पीछे बड़े सारे कुत्ते भी भाग रहे थे, तो मैं घर जा रहा था रात को अकेला गाड़ी से, मैंने गाड़ी रोकी, इनके पास गया, मैंने कहा बॉस तुम, मेरे को लगा कोई रामलीला का कोई कैरेक्टर है या कुछ है, तो ये गुजराती में बात करने लग गया, ये डर भी गया मेरी दाढ़ी वाड़ी देख के कि ये बोले आप मुझे किडनैप कर रहे हो, मुझे पूछ रहा है, तो मैंने कहा तुम किडनैपर को पूछ रहे हो। एनीवेज तो इस तरह मुझे पहली बार ये दिखा था, फिर मैं इसको अपने घर ले गया, इसको किसी ने बेकूफ बना के बॉम्बे बुला लिया था। ये कौन सा साल था? इसी साल की बात है, शुरू में मतलब जनवरी दिसंबर के, दिसंबर तो इस साल में तो हमने पिक्चर शूट की है पिछले साल। सो उसके बाद इसको मैं घर पर ले गया, इसके बारे में मैंने जाना, इसकी सुबह 6 बजे की ट्रेन थी भावनगर की, तो वैसे मेरे बाल में जू नहीं है। एनीवेज सो 12 बजे की इसकी अगली सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, रात भर इससे बात की, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, फिर मैं इससे फ़ोन पे कनेक्शन में रहा, फिर मैं इसके पास भावनगर गया जहाँ ये रहता है, इसके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर वापस आया, फिर आके मैंने उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना चालू करी इसकी रियल स्टोरी पे, उसमें मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं डाला है कि उसको ड्रामेटिक बनाऊँ या जो इसकी लाइफ स्टोरी थी, ये जो दिखता है इसके अलावा जो नहीं दिखता है वो भी, ये तो एक लंगूर है और जो रियल में ये जो एक इंसान है जैकी वाधवानी, दोनों को, तो उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने दोनों चीज़ दिखाई है जो अभी स्क्रीन होने वाली है 2 बजे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो मेरे हिसाब से सबसे इंटेलेक्चुअल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, और यहाँ के जो लोग, जो कलकत्ता के लोग हैं, दे नो रियल सिनेमा, सो मेरे लिए इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।